नमस्कार, मैं राम मुरारी। बात पे बात के मीडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो सबसे पहले आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी हिंदी पत्रकारिता आज 197 साल की हो गई, यानी दो सदी का पड़ाव पार करने में महज 3 साल बचे हैं। 2026 में, आज से 3 साल बाद 2026 में हिंदी पत्रकारिता की उम्र 200 साल की हो जाएगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा माइलस्टोन है, और इसीलिए हमने आज मीडिया क्लासेज में चर्चा के लिए हिंदी पत्रकारिता को ही रखा है। हालांकि पिछले एपिसोड में, जो कि पत्रकारिता की परिभाषा और पत्रकारिता क्या है पर था, हमने बताया था कि मीडिया क्लासेज का अगला एपिसोड पत्रकारिता के उद्देश्य, महत्व और प्रभाव के बारे में होगा। लेकिन आज का दिन खास है, आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस है। तो आज चर्चा हिंदी पत्रकारिता पर, हिंदी पत्रकारिता के सफर पर, हिंदी पत्रकारिता के अतीत और वर्तमान के संक्षिप्त अवलोकन और मूल्यांकन पर, ताकि हम देख सकें कि 2 सदी के सफर में हमारी हिंदी पत्रकारिता कहाँ पहुँची, हमने कितना सफर तय किया, हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले बात आज के दिन की, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस की। 30 मई की तारीख को हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाने की वजह यह है कि अब से 197 साल पहले, यानी 1826 में आज के ही दिन पत्रकारिता की दुनिया में हिंदी ने प्रवेश किया था। 30 मई 1826 को ही कलकत्ता, यानी आज इसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, हिंदी का पहला अखबार, पहला पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड और जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। हालांकि भारत में पत्रकारिता की नींव 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही पड़ चुकी थी और पहला अखबार बंगाल गजट एंड कलकत्ता एडवर्टाइजर के नाम से 1780 में ही प्रकाशित हो चुका था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के संपादन में निकलने वाले इस पत्र को हिक्की गजट भी कहा जाता था। लेकिन यह अखबार हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में न होकर अंग्रेजी में था। किसी भारतीय भाषा में पहला अखबार 1816 में प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट के नाम से। बंगला में प्रकाशित इस पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। बंगाल गजट ने अन्य भारतीय भाषाओं में भी अखबार निकाला जाने का काम आसान कर दिया और फिर उदंत मार्तंड समेत कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया, हिंदी में भी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी। अब कलकत्ता ही पत्रकारिता का मुख्य केंद्र था और ज्यादातर अखबार यहीं से निकलते थे और पत्रकारिता का कलकत्ता राजनीति सहित सबका मुख्य केंद्र था, जैसे कि आज दिल्ली है, उस समय कलकत्ता ही था। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो उदंत मार्तंड के बाद हिंदी में कई और भी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, कई पत्रकार संपादक भी सामने आए, लेकिन एक दो अपवादों को छोड़ दें तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से ये कोई खास नहीं रहे। हाँ, इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जरूर उल्लेखनीय है, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता में राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना भरी। 1873 में उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन ने हिंदी पत्रकारिता को नई राह दिखाई। बाद में यह हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से, हरिश्चंद्र जो मैगजीन थी वह हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। यहाँ मैं थोड़ा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बता दूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े नाम हैं, इतने बड़े कि हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के कालखंड को भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु के बाद भी बांटा गया है। जिसे अगर आप हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो 1873 से पहले वो भारतेंदु पूर्व युग आ जाता है। हालांकि 1867 में कवि वचन सुधा के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका निकाली थी, जिसमें कवियों के बारे में परिचय होता था, कविताएं होती थी, जिसे वो पत्रकारिता की भी लिहाज से महत्वपूर्ण पत्रिका थी और साहित्य के लिहाज से भी। तो कहने का मतलब है कि भारतेंदु पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े नाम थे, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़े नाम थे, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े नाम थे। उन्होंने राष्ट्रीयता की, अपनी भाषा के प्रति लगाव की, समाज सुधार की भावना लोगों के बीच बोली और जनजागृति का काम किया। तो भारतेंदु का नाम इसीलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी
सम्मान के साथ लिया जाता है हिंदी पत्रकारिता में भी और हिंदी साहित्य में भी। 1873 के हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद 1883 भी हिंदी पत्रकारिता के लिहाज से उल्लेखनीय साल है, क्योंकि इस वर्ष हिंदी के पहले दैनिक अखबार के रूप में हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इससे पहले तमाम पत्र पत्रिकाएं मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक की होती थी। हिंदुस्तान पहला पत्र था जो कि दैनिक हुआ। लेकिन हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा मोड़ आया 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में, जब गुलाम भारत में हिंदी पत्रकारिता ने भी अपनी भूमिका पहचानी और स्वतंत्रता आंदोलन का सिर्फ साक्षी नहीं साथी बनने का भी निर्णय किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा हिंदी पत्रकारिता के लिहाज से। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता समेत पत्रकारिता की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा, इस पर खुलकर और विस्तार से चर्चा किसी अन्य स्वतंत्र एपिसोड में भी की जाएगी। लेकिन यहाँ भी इस दौर की पत्रकारिता के बारे में बातें करना प्रासंगिक भी है और जरूरी भी, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का परिचय इस कालखंड के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। दरअसल स्वाधीनता आंदोलन का समय हिंदी पत्रकारिता का सबसे बेहतरीन और सुनहरा दौर रहा है, इसीलिए इस समय को हिंदी पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ समय और स्वर्णकाल भी कहा जाता है। यहाँ स्वाधीनता संग्राम के समय को हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णकाल मानने का कारण यह नहीं है कि उस समय पत्रकारों को काफ़ी सहूलियतें और सुविधाएं हासिल थी, उन्हें ऐशो आराम हासिल था या उनके पास पावर था, उनकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यह सब आज के पत्रकारों को भले उपलब्ध हो, उन्हें हासिल हो, तब के पत्रकारों को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं था और न ही ऐसा कुछ प्राप्त करने की, ऐसा कुछ हासिल करने की उनमें कुछ चाह थी, क्योंकि न तो पत्रकारिता आज के जैसी थी और न ही पत्रकार आज के जैसे थे। बाजार के वर्चस्व वाले इस दौर में आज पत्रकारिता भी ग्लैमरस हो गई है और पत्रकारों को भी स्टारडम हासिल है। पत्रकार अब पावर के साथ है। तो कहने का तात्पर्य यह कि स्वाधीनता संग्राम हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण काल, उसके मकसद, उसके लक्ष्य, उसके विजन को लेकर है। उस समय हिंदी पत्रकारिता फिरंगी हुकूमत के विरुद्ध जनता को जागरूक करने, आज़ादी की चेतना का एहसास कराने और स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलनों को धार देने का एक प्रमुख हथियार बन गई थी। सरकार के अमानवीय कानूनों और कारनामों की आलोचना और उनके खिलाफ जनमत बनाने में हिंदी पत्रकारिता की सराहनीय भूमिका थी। गौरतलब है कि तब पत्रकारिता करना काफ़ी कठिन भी था और खतरनाक भी, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी जो जालिम भी थी और क्रूर तथा अमानवीय भी। लेकिन उस समय के पत्रकार सत्ता के सामने न झुके न बिके, बल्कि तमाम जोखिम उठाकर अंग्रेजी सत्ता के जोर जुल्म और अमानवीय कारगुजारियों को जनता के सामने लाते रहे। उस समय की पत्रकारिता कितनी चुनौती भरी थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अनगिनत पत्रकारों संपादकों को कठोर सजाएं सुनाई गई, उन्हें जेल भेजा गया, कईयों को देश निकाला भी मिला। सरकार द्वारा अखबारों की प्रतियां जब्त की गई, उनके प्रकाशन को बार बार बैन किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद पत्रकारों का तेवर न कम हुआ, न पत्रकारिता की धार कुंद हुई। हिंदी पत्रकारिता आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाती रही। आज़ादी की भावना और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उस समय की पत्रकारिता तमाम मुश्किलों के बीच परवान चढ़ती रही। हालांकि हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के अखबारों में भी राष्ट्रीयता की यह भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का तो यह मुख्य स्वर ही बन गया था। हिंदी पत्रकारिता स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही हो गई थी। यहां स्पष्ट ये भी कर दूं कि राष्ट्रीय सरोकारों से सराबोर हिंदी पत्रकारिता अपने सामाजिक सरोकार के प्रति भी सचेत रही और जात पात, ऊंच नीच तथा धर्म और सांप्रदायिकता के तत्कालीन मुद्दों पर भी उसने बेबाक कलम चलाई। एक साथ हिंदी पत्रकारिता दो मोर्चों पर लड़ती रही। आजादी के बाद पत्रकारिता का स्वरूप बदलने लगा, हिंदी पत्रकारिता का भी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पत्रकारिता जहां मिशन थी, वहीं आजादी के बाद वो अब पेशे का रूप धरने लगी और आज तो पत्रकारिता मोटे तौर पर विशुद्ध पेशा ही बन गई है। हालांकि मीडिया का परिदृश्य आज जैसा दिखाई पड़ता है वैसा पहले नहीं था। पत्रकार
पत्रकारिता प्रोफेशन के साथ पैशन भी थी और अपने मिशन को भी नहीं भूली थी। मिशन यानी जनपक्षी होना, जनता के मुद्दों और सरोकारों से जुड़ना। पत्रकारों को पत्रकारिता की ताकत का भी एहसास था और अपने कर्तव्य से भी वे वाकिफ थे। भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथे स्तंभ की भूमिका में थी। वह सत्ता पर दबाव बनाना भी जानती थी और सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो प्रेस को भी बैन कर दिया। शायद आज का दौर होता तो बैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज भी वैसे ही सत्ता के साथ खड़ा नजर आता है। यह सच है कि आजादी के बाद पत्रकारिता मिशन नहीं रही, पत्रकार भी वैसे नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद हिंदी पत्रकारिता या कहें समग्र भारतीय पत्रकारिता वैसी नहीं थी जैसी आज नजर आती है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने, सत्ता से सवाल करने का तब साहस था। जनता के मुद्दे उठाना जानती थी मीडिया। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक डेढ़ दशक पहले की पत्रकारिता देखें, मीडिया सरकार पर किस तरह हमलावर थी। पत्रकारिता ने सरकारों को हिलाया भी और बदलाव के लिए भी जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज क्या कर रहा है मीडिया, क्या कर रही है पत्रकारिता? आप चैनलों पर रोज डिबेट देखते होंगे, एनालिसिस सुनते होंगे। कभी गौर किया है कि कितने डिबेट सरकार को उसकी नीतियों को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं? क्या कोई एंकर अपने प्रोग्राम के जरिए सरकार से सवाल करता दिखाई देता है? इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दे तो जवाब मायूस करने वाला ही मिलेगा। यह हिंदी पत्रकारिता या कहें पूरी पत्रकारिता के भटकाव का दौर है। यह पत्रकारों द्वारा पत्रकारिता के उद्देश्यों से मुंह मोड़ लेने वाला समय है। अपने दो सदी के सफर में हिंदी पत्रकारिता अपने उद्देश्य से, अपने मूल्यों से भटक चुकी है। स्वर्ण काल से फिसल कर भक्ति काल में आ चुकी है। यह फिसलन कब तक और कहां तक जारी रहेगी कहना मुश्किल है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इसे भी याद करने और याद रखने की जरूरत है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं मीडिया क्लासेस के अगले एपिसोड में किसी और विषय, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।